नमस्कार छात्रों, कंपिटिटिव मैथ्स में हमें जनरली कुछ मैथमेटिकल संख्याओं को क्विकली सॉल्व करना होता है, जिसमें हमारे को स्क्वायर, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड आदि को बहुत स्पीडली कुछ सेकंडों में करना होता है। ठीक है, तो स्पीड मेंटेन करने के लिए इन सभी चीज़ों के हमें शॉर्ट ट्रिक थोड़े बहुत आने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले है कि वर्ग या स्क्वायर हम किसी वैल्यूज़ का किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो हम किसी वैल्यू का स्क्वायर निकालने के लिए उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, परंतु मल्टीप्लिकेशन में टाइम क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जिस वजह से क्या है कि हमारा जो पेपर में कंपिटिटिव एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती और हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। इस समस्या को निराकरण के लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 5 आए तो उसका स्क्वायर हमें किस तरह से करना है। ठीक है, जैसे 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जैसे 35 का स्क्वायर है, आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 से 25, 2 कैरी गया 15, 5 3 15 और 2 17, इंटू 5 3 15, 1 कैरी गया 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो 5 का 5 इसको ऐड करोगे तो 12, 1 कैरी गया 2 1 2, तो 1 2 2 5, ये इसका आंसर होगा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं और आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट हमें शॉर्ट ट्रिक में किस तरह से करना है, तो देखिए बहुत आसान सा मेथड है। 5 को 5 ही रख लिया और इस 3 को मैंने एक ऐड करके बढ़ा लिया, तो 5 5 जो कितना होगा 25, ये मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, ये 12 यहाँ लिख लिया, तो 12 25, ये हो गया इसका आंसर। तो वही हमने मल्टीप्लाई भी किया है, तो 12 25 को अगर हम इससे कंपेयर करें तो देखो सेम आंसर आ रहा है, जबकि इसमें हमारे को एक मिनट के लगभग एक मिनट का समय लगता है। और ये अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो चंद सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको हर करें तो 5 को 5 से किया 25, इसको एक बढ़ा लेंगे तो 5 5 4 जा 20। ठीक है, ऐसे ही 5 5 जा 25, और इसको एक बढ़ा लेंगे तो 6 5 जा 30। ठीक है, ऐसे ही इसको 5 5 जा 25 और 7 6 जा 42। क्लियर है यहाँ तक की बातें सबको? तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपको जिन वैल्यू के लास्ट में 5 आता है, हमारे को क्यूब रूट, स्क्वायर रूट इसका इस तरह से निकालना है। मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 6 5 जा 30 30 और 32 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 6 6 जा 30 39 हो गया, इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 2 9 और 3 12, 1 कैरी गया 4, तो ये आया 4 2 2 5। और जबकि हमने इसको इसी से किया, इस मतलब शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से कितना होगा, 5 को 5 ही रख लिया, इसको एक बढ़ा लिया 7 कर लिया, 7 6 जा 42, 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आपके आ गया स्क्वायर रूट। आप कहोगे सर 95 का स्क्वायर बताइए, तो सेम मेथड, 5 इसको हम 10 बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 10 9 जा 90 आंसर। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक जिन वैल्यूज़ के या संख्या के लास्ट में 5 5। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये तो 5 वाली वैल्यूज़ हैं, अगर 5 ना हो तो क्या करें? तो देखिए उसके लिए भी मेथड है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए, मान लो हमें 39 का स्क्वायर निकालना है, या हमारे को निकालना है 93 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए पहले मैं 93 की बात कर रहा हूँ और बाद में हम इनके लिए बात करेंगे जो थोड़ी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो पहले इसका सेकंड केस बता रहा हूँ आपको, वे संख्याएं 100 के पास की संख्याओं का वर्गमूल, 100 के पास की संख्याओं का वर्गमूल,
जैसे 93 का ही निकालते हैं। बेस क्या है हमारा? बेस है हमारा 100। 100 से ये कितना कम है? 100 से ये वैल्यू कितनी कम है? 7। और हमें निकालना क्या है? स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49। 100 बेस 100 है, उससे ये वैल्यू 7 कम है, 7 कम है, तो 7 का वर्ग कर दो कितना हो जाएगा? 49। और ये जो 93 है इसमें से कितना कम कर दें? जितना ये इससे कम है इतना इसमें से घटा दो। तो 93 में से मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो कितना बचेगा? 56। आंसर नहीं विश्वास हो रहा तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 3 9 और 9 3 27 मल्टीप्लाई 9 3 27 तो कैरी गया 9 9 81 और 2 83 9 7 7 14 एक कैरी गया 3 2 5 और 1 6 8 6 4 9 मैच कर लीजिए। गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह से तो 96 का कितना होगा? देखो यहाँ 2 का पेयर लिखा है मैंने, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का 4 कम है तो 4 का वर्ग 16। इसमें से 96 में से 4 कम कर दो, जैसे 93 में से 7 कम किए थे वैसे 96 में से 4 कम कर दो। तो 4 कम करेंगे तो कितना आएगा? 9216 आंसर। है ना आसान? ऐसे ही अब आप पूछोगे कि सर ऐसे तो हम ऐड वाला भी 100 से ऊपर वाला कर सकते हैं। तो हाँ, जैसे ये 100 से लेस था तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 100 से भी ग्रेटर है तो ऐड कर देंगे। तो देखो ये 100 से कितना ज़्यादा? 4। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। इसमें 4 ऐड कर दो, वहाँ सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ 4 क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे। तो 4 ऐड करेंगे तो 104 में 4 ऐड किया तो कितना हुआ? 108 आंसर। सभी को समझ में आ रही है बात? अब इन वाली वैल्यूज में एक दिक्कत है आपके। क्या दिक्कत है? कि जहाँ तक आपको स्क्वायर याद होंगे, जैसे आपने 84 का स्क्वायर चाहिए, तो 84 का स्क्वायर के लिए आपको क्या होना चाहिए? 100 से कितना कम? 16। तो 16 का वर्ग आना चाहिए। अरे बात समझ में? तो जितने वर्ग आपको याद होंगे ये वहाँ तक अप्लीकेबल होगा। ये वाला जो 100 के अंडर के आस वैल्यूज है वो वहाँ तक एप्लीकेबल होगा जहाँ तक आपको स्क्वायर रूट याद होंगे। आप पूछने लग जाओ सर 56 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 100 से 44 कम है, 44 का वर्ग करेंगे तो 44 का वर्ग और क्या हो जाएगा? 44 का वर्ग और कम हो जाएगा, तो इसमें हमारे को और दिक्कत होगी। तो हम ये रूल वहाँ तक ही लगा पाएंगे जहाँ पर आपको स्क्वायर याद रहते हैं। अब आगे चलते हैं कि अगर ये वैल्यूज आए तो इनकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, क्योंकि इतने वर्गमूल याद रहना पॉसिबल नहीं है, तो इनकी भी एक ट्रिक है। तो इसके लिए आगे चलते हैं। मान लो आपको 56 का ही स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को नेम दे रहा हूँ ए और बी, ठीक है। इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, न ऐड है न सब्ट्रैक्ट है, ओनली ब्रैकेट्स हैं। बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, क्लियर है सबको? तो देखो अब मैं ये बी मान रहा हूँ, बी की वैल्यू इसको एज्यूम कर रहा हूँ, ए इसको एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो b का स्क्वायर किया तो b का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 36 का मैंने b स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 36। अब 36 में से मैंने यहाँ यूनिट वैल्यू लिखी 6 और 3 कहाँ चली गई? कैरी चली गई। यहाँ पर ले रहे हैं यहाँ तक की बात। अब क्या करना है? 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी किया तो a इंटू बी कितना हो जाएगा? 6 5 30। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, और ये 3 कैरी भी तो आ रही थी, तो 60 और 3 63, तो 2ab कितना हो गया? 63। यहाँ हम 3 लिख लेंगे और 6 कहाँ चली जाएगी? कैरी चली जाएगी।
क्लियर है यहाँ तक की बात सबको। अब बात आती है ए का स्क्वायर, ए कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर 5, 5 से 25, 25 में ये 6 कैरी और ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, 25 में 6 ऐड किया 31, तो 31,3136। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 5 जा 30, 30 और 3 33, 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 5 जा 25 और ये 3 28, 6 3 8 3 11 1, बिल्कुल मैच करेगा आपका। अब इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं देखो आपको प्रैक्टिस के लिए 2-4 और करके दिखा रहा हूँ। जैसे वैल्यूज़ मान लो आपकी है 44, तो 44 का स्क्वायर तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए, बी का स्क्वायर मतलब 16, 16 का 6 ले लिया, 1 कैरी चला गया, 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी इंटू ए कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 32 और ये 1 कैरी 33, 3 यहाँ आ गया और 3 कैरी चला गया। फिर ए का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 और 3 1936 मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो 4 4 जा 16, 1 कैरी गया 16 1 17, 4 4 जा 16, 1 कैरी गया 17 6 9 1, प्योर मैच। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऐसे ही हम आगे चलते हैं, और कोई वैल्यू जैसे थोड़ी बड़ी वैल्यू ले, बड़ी वैल्यूज लेते हैं, 76 का स्क्वायर, वही इसको हम एज्यूम कर लेंगे बी, इसको हम एज्यूम कर लेंगे ए, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3 कैरी चला गया, 2 ए बी, 76 जा 42, 42 इंटू 2 क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई हो गया 6 76 जा 42 इंटू 2 और करना है, 42 इंटू 2 84, 84 में 3 कैरी ऐड किया 87 का 7 यहाँ लिख लिया, 8 क्या आ गई आपकी कैरी आ गई, 8 कैरी आ गई। अब हम करते हैं ए स्क्वायर की बात, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 77 जा 49 और ये 8 कैरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57, ये हो गया आंसर। नहीं विश्वास है, ट्रस्ट है तो देखो मल्टीप्लाई करके, 3 कैरी 42, 3 45, 7 42, 7 42, 4 कैरी गया 49 49 49, 53, 6 7 7 5 और ये प्योर मैच। तो देखिए मैंने आपको अब तक 100 के पास में जिनके वैल्यूज़ के लास्ट में 5 5 उनका स्क्वायर रूट सिखाया है, और जो 100 के आसपास के जो दूर संख्याएं होती हैं जिनका हमारे को स्क्वायर रूट नहीं ध्यान होता है या स्क्वायर हमारे को नहीं ध्यान होता है उनका मेथड मैंने बताया आपको। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी घर पे कीजिएगा, मैं एक एक एग्जाम्पल एक बार फिर से इन तीनों का आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट तीनों एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे 95 का स्क्वायर वो जिसके लास्ट में 5 आता हो, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं वो जो 90 के आसपास हो, इसको 85 ले लेते हैं, ठीक है। और वो वैल्यूज़ जो 100 के आसपास हो, जैसे 107 का स्क्वायर करना है, या फिर आप 92 का स्क्वायर ले लो, ये भी 100 के पास ही है, ठीक है। और एक वैल्यू ले रहा हूँ वो जो 100 से बहुत दूर हो, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 64 का स्क्वायर, सारे मेथड आ गए इसमें। तो ये तो है लास्ट वैल्यू जिनके लास्ट में 5 आता है, तो इसको हम 5 वाले मेथड से करेंगे, इसको एक ऐड कर लेंगे, तो 5 5 जा कितना हो गया 25 और
नाइन एट जा 72 आंसर। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा होने का मतलब 7 ऐड है, तो 7 ऐड है तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, और इसमें हम 7 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 114। ठीक है, ये हो गया 100 से ज़्यादा वाला, ये आ गया 100 से कम वाला, तो 100 से कम है कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है तो 8 का वर्ग 64, इसमें से 8 कम कर देंगे क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा था तो ऐड कर दिया था, ये कम है तो घटा देंगे, तो 92 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 84, ये 84 64। इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर मतलब ये वाला मेथड, बी का स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 16, वन कहाँ चली गई, कैरी। अब 2ab सॉल्व करते हैं पहले, तो ab 24 इंटू टू, तो 24 इंटू टू 48, 48 और 1 49, 49 और 4 कैरी चली गई। अब 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 6 जा 36, 36 में 4 एडी कैरी ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा 40, तो 4096, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको सभी ये मेथड समझ में आए होंगे स्क्वायर की। ठीक है, और अब आप घर पर थोड़ा सा आसपास की वैल्यूज़ को लेकर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, आई थिंक इसके आगे और भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।